हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर ढेकड़े, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई। हमने टोकन इंडिकेटर एंड टोकन डिस्पेंसर, ये दो प्रोडक्ट डेवलप किया है और सेल के लिए भी रखा है। ये जो दो प्रोडक्ट है हॉस्पिटल में और बैंक में इस्तेमाल किया जाता है, तो हम अभी देखेंगे ये दो प्रोडक्ट का डेमो। ये वीडियो आप पूरा देखिए, वीडियो समझने के लिए बहुत ही आसान है। वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल बटन प्रेस करें, ताकि हमारा अगला नया वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा। तो चले फिर देखते हैं टोकन इंडिकेटर एंड टोकन डिस्पेंसर का डेमो। ये सर, ये डॉक्टर के रूम में रहेगा, ठीक है। ये बाहर पेशेंट के रूम में रहेगा। यहाँ पे आप इसको माउंट कर सकते हो, इसको भी वॉल पे माउंट कर सकते हो, ठीक है। ये रिमोट आएगा आपके मशीन के साथ। अभी मुझे नेक्स्ट पेशेंट को बुलाना है, आप रैंडमली भी बुला सकते हो। जैसे 12 नंबर चाहिए तो यहाँ पे आपको 1 2 करना है, ठीक है। अभी ये 12 हो गया और ये EQ दबाते एंटर हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट बुलाना है तो ये फॉरवर्ड का बटन है। प्रीवियस चाहिए आपको तो प्रीवियस हो जाएगा, ठीक है। ये आवाज़ को म्यूट भी कर सकते हो। रिपीट करना है ये नंबर, रिपीट भी हो जाएगा। अगर गलती से आप कोई अलग नंबर दबा देते हो, 555 हो गए, तो इसको भी आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। ये अभी रेड बटन से रीसेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से वो आप पेशेंट को बुला सकते हो। तो ये सभी 5 को डॉक्टर के बाहर रहेगा। यहाँ पे आप डॉक्टर का नाम या कुछ भी लिख सकते हो, या कैबिन पे भी रहेगा, ठीक है। टोकन पे भी नाम आ जाएगा डॉक्टर का। इसमें अभी वो वॉल्यूम ये फिक्स कर दिया, इतना आवाज़ आएगा इसमें, ठीक है। तो ये काफ़ी आ जाएगा और म्यूट भी कर सकते हो। तो इसको फॉरवर्ड रिवर्स ये सब कर सकते हो। देखो, यहाँ कंट्रोल रूम है और विजिटर रूम है। कंट्रोल रूम में डॉक्टर है, डॉक्टर के हाथ में रिमोट कंट्रोल है और ये कंट्रोल यूनिट उसमें रूम में है, और डिस्प्ले यूनिट है ये विजिटर के रूम में है। इसमें देखो, टोकन इंडिकेटर में एक कंट्रोल यूनिट रहेगा, डिस्प्ले यूनिट रहेगा, रिमोट कंट्रोल भी रहेगा, और ये जो सप्लाई 5 वोल्ट पर चलता है अडेप्टर है। इसमें देखो, स्पेसिफिकेशन में 9 वोल्ट सेल रहता है, 2.3 इंच डिजिटल डिस्प्ले रहता है, 15 फुट वायर रहता है, 0.6 इंच 3 डिजिट डिस्प्ले है, 80 वाट स्पीकर है, स्पीकर वॉल्यूम कंट्रोल है, जो रिमोट कंट्रोल है इसमें 20 फंक्शंस है। फीचर में देखो, नेक्स्ट नंबर कॉलिंग एंड प्रीवियस नंबर कॉलिंग ऑप्शन अवेलेबल है। साउंड डिंग डोंग वॉइस विथ वॉल्यूम कंट्रोल रहता है, साउंड म्यूट ऑप्शन रहता है, डायरेक्ट रैंडम नंबर कॉलिंग फैसिलिटी अवेलेबल है, कॉलिंग सेम नंबर रिपीट अवेलेबल है, स्मॉल बजर इन कंट्रोल डिस्प्ले यूनिट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड ईजी टू इंस्टॉल रहता है, ऑल माउंटिंग ये इंस्ट्रूमेंट रहता है। ये 1 बटन टोकन डिस्पेंसर है। इसमें पेपर रोल कैसे अपलोड करते हैं वो देखेंगे। यहाँ पे एक टैब दिया है, इसको आपको ऊपर उठाना है, ठीक है। यहाँ पे आपका पेपर रोल रहेगा, इसको आपको यहाँ से निकालना है, ठीक है। ये पेपर रोल कभी भी डालते हो तो ऐसे ही डालिए। अगर आप इस तरीके से डालोगे तो पेपर रोल तो रोल होगा लेकिन उस पर प्रिंट कुछ नहीं होगा, इसलिए वो आपको ऐसे ही प्लेस करना है इसको हमेशा। इसको यहाँ पे डालने के बाद थोड़ा पेपर बाहर निकालिए और इसको ऊपर से प्रेस कर दीजिए। इस तरीके से आपका पेपर रोल इंसर्ट हो जाएगा। अभी हम इसको एडाप्टर से सप्लाई देते हैं। यहाँ पे अभी मैं एडाप्टर से सप्लाई दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे पावर बटन दिया हुआ है, अभी पावर बटन पे हमने चालू कर दिया। यहाँ पे आपको एक नेक्स्ट टोकन नंबर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे डेट आएगा, टाइम आएगा, नेक्स्ट टोकन, ठीक है। अभी हम यहाँ पे बटन प्रेस करेंगे, यहाँ से प्रिंट निकलेगा, ठीक है। इस तरीके से ये प्रिंट आ जाएगा। प्रिंट पे आपको जो कुछ भी हेडर में नाम वगैरह लिखना है, हेडर में, फुटर में, यहाँ पे टोकन नंबर आएगा, यहाँ पे भी कुछ काउंटर वगैरह लिख सकते हो आप, ये सब सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है, ठीक है। ये कैसे करते हैं वो देखेंगे हम बाद में। तो इस तरीके से आप हेडर, 5 हेडर और 5 फुटर, मतलब 5 ऊपर में लाइन लिख सकते हो और 5 नीचे में,
ये अभी एक फॉर्मेट हो गया है, इसमें दूसरा एक फॉर्मेट आता है और वो दिखाता है, वो वहाँ पे नेम लिख के आता है, तो वो कैसे सिलेक्ट करेंगे वो देखते हैं। उसके लिए आपको मशीन को बंद करना है और यहाँ पे ये रेड बटन प्रेस करके रखना है, इसको छोड़ना नहीं है, इसको चालू करना है। यहाँ पे रिलीज बटन जब तक क्लिक के नहीं आता उसके बाद छोड़ दीजिए। अभी यहाँ पे फॉर प्रिंट सिलेक्ट वन टाइम और रिसेट करने के लिए दो बार प्रेस करना है। अभी हम प्रिंट फॉर्मेट देखते हैं। अभी ये दो टाइप के प्रिंट फॉर्मेट दिए हुए, ठीक है, ये अभी जो आपने देखा वो फर्स्ट प्रिंट है। अभी ये सेकंड प्रिंट के लिए दो बार अभी मैंने रेड बटन दबाया, सेकंड फॉर्मेट अभी सिलेक्ट हो गया। अभी ये कैसे दिखता है सेकंड फॉर्मेट वो देखेंगे अब। अभी मैं रेड बटन से नेक्स्ट ओपन निकलता, अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सेकंड फॉर्मेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपको नाम आएगा, सिर्फ ये नेम लिख के आ जाएगा। यहाँ पे भी आप बीच में नाम लिख सकते हैं, काउंटर बैच वन या फिर किसी डॉक्टर का नाम वगैरह, तो इस तरीके के सभी ऑप्शन इसमें। ये दो टाइप के फॉर्मेट है, आप कोई भी सिलेक्ट करके ऑपरेट कर सकते हो। लेक्चर संपल्याची बेल अगदी वेळेत झाली की किमया ॲप परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सच्या ऑटो लेक्चर बेलची। एवढंच नाही तर आता परफेक्टच्या ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअरवर तुम्हाला हव्या असलेल्या वेळेवर दररोज स्वयंचलितपणे राष्ट्रगीत वाजवा। शाळा कॉलेजसाठी उपयुक्त संपूर्ण ऑटोमॅटिक परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्सचे ऑटो लेक्चर बेल आणि ऑटो राष्ट्रगीत प्लेअर। फ्री डेमो आणि इन्स्टॉलेशन साठी संपर्क परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, MIDC वाई, मोबाईल 98 222 41 255। परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स वाई आयोजित 6 दिवसांचं प्रॅक्टिकल बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स अँड कम्प्युटर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। पात्रता इलेक्ट्रॉनिक्स आणि कम्प्युटरचे शिक्षण आवश्यक, बीई, डिप्लोमा, BSc, MSc झालेल्यांसाठी उपयुक्त। या ट्रेनिंग मध्ये भरपूर प्रॅक्टिकल सह मुलाखतीची तयारी करून घेतली जाते, ज्यामुळे जॉब मिळणं सोपं जातं। ट्रेनिंग साठी संपर्क डॉक्टर ढेकळे, परफेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स, MIDC वाई, मोबाईल 98 222 41 255।